प्लीज़ वेलकम और वेलकम बैक टू लॉक्री आई होप ऑल्विया डू इंग ग्रेट ऑलविया फाइन एन सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प पी यू फाइव योर एल एल बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पेपर बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि दी ये बताओ अटेम्प्ट कैसे करना है ठीक है तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं खरीदे हैं हमारे पी यू फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के वो खरीद लीजिए यहाँ पे आपको बेस्ट पार्ट जो है कि आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाने की कोशिश करी है डब्ल्यू पर आपको ये मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं रुपीज के आपको यहाँ पे टेन मॉक टेस्ट जो है वो मिल रहे हैं लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक इट आउट हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग कैसे हमें पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए तो यहाँ पे ट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं पीयू के जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब जरूर सब सब्सक्राइब करना एंड अगर आप जानना चाहते हो कि पेपर एनालाइज कैसे करते हैं कि हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीज हो तब भी कॉमेंट कर देना मैं एक स्पेसिफिक वीडियो कर दूंगी अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं लास्ट टेन डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए प्रेपरेशन के लिए बिकॉज टेन से भी कम दिन रह गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कितना स्कोर करना चाहिए एम कितना करना चाहिए आपको एग्जाम में उसके ऊपर भी हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जीके तो सीधा -सीधा निकल जाते हैं जिसमें जनरल स्टडीज मतलब स्टैटिक जीके हिस्ट्री जोग्रफी टाइप के क्वेश्चन है प्लस आपके करंट अफेयर्स ये दोनों ही भर भर के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें कर, कर जानिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि 50 परसेंट से ज्यादा पेपर जीके है उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे शॉर्टकट वे से प्रिपेयर करना है अगेन टेन डेज वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है वो आप देख सकते हैं पेपर उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर आपका मैथ्स लॉजिक किया जाता है टेन मार्क्स का ये है और इंग्लिश भी आपकी टेन मार्क्स की है ठीक है ना इंग्लिश हिंदी पंजाबी में आपका पेपर होगा लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम है आपका 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे येस नेगेटिव मार्किंग भी है जीरो मार्क्स की करेक्ट आंसर के लिए वन मार्क और नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर गलत करोगे तो माइनस मार्क्स काटे जाएंगे अब यहां पर अटेम्प्ट कैसे करना है देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पेपर दो से तीन राउंड में अटेम्प करें पहले राउंड में आप करें हंड्रेड वाले Questions, जो मेरे है. पक्का है मेरा कि मुझे गेस पता पता तो sure वर्क करना है और गेस वर्क क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो मैं फिफ्टी फिफ्टी वाला रूल लगाऊंगी फिफ्टी फिफ्टी वाला रूल मतलब अगर ए बी सी डी ऑप्शन दी हुई है अगर मैं सी और बी क्रॉस आउट कर पा रही हूँ भी तब तभी तब मैं वो अटेम्प्ट करूंगी मतलब अगर मैं दो ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रही हूँ तभी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी या तो हंड्रेड परसेंट जहाँ पे मुझे शॉर्ट शॉर्ट ये कि हाँ ये आंसर है या फिर जिसमें मैं दो ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रही हूँ मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी ठीक है ना ये बहुत जरूरी है और इसकी घर से प्रैक्टिस करके जाओ इंट्यूशन क्रिएट करनी पड़ेगी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बहुत क्वेश्चन कर, सही करके आते हैं बट नेगेटिव मार्किंग में सब कुछ बर्बाद करके आ जाते हैं वो आपको नहीं करना है इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है चाहे आप मेरे मॉर्क से करो चाहे किसी और के मॉर्क से करो बट प्लीज ये प्रैक्टिस जरूर करके जाओ ठीक है ना उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कि एक बार राउंड हो गया दूसरा राउंड हो गया थर्ड राउंड में फिर निकालने की कोशिश करो कि क्या पता कोई क्वेश्चन निकल जाए क्या पता प्लस वन मेरा हो जाए तो ये राउंड्स में क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करनी है पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है सेक्शन को साइड बाय कर देना बस हमने फर्स्ट राउंड में 100 वाले में वाले सेकंड ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार यारे इतने तो पक्के हो गए अब और ढूंढने हैं मुझे तो ये आपको प्रैक्टिस करना है उसके बाद कीप काउंट टेबल रखो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेपर पे टेबल बना लिया ठीक है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी है ठीक है ना फोर्टी क्वेश्चन है वो किसी नेपाल के पीएम का नाम पूछ रहे हैं और तुम अभी के लिए भूल गए हो कि नेपाल पीएम कौन है तो लिख लिया नेपाल पीएम ठीक है ताकि जैसे ही याद आया निकाला अटेम्प्ट किया और आगे बढ़ गए तो ये करना है और एक काउंट रखना है कि मेरे हंड्रेड वाले क्वेश्चन कितने हो गए ठीक है ना हंड्रेड वाले क्वेश्चन कितने हो गए फिफ्टी वाले ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ इतना तो मेरा स्कोर हो रहा है चाहे जितना मर्जी स्कोर हो हमने वाइल्ड गैसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है बस एक हिसाब सा लगाकर हम अपना रखेंगे ठीक है ना यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चन देखिए जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो बेनिफिट होगा वो सबसे पहले तो अटेम्प्ट करना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दूसरा आपको ना यूज टू होना है मॉक टेस्ट ले लेकर यूज टू होना है एग्जाम अटेम्प्ट करने को आपको बिल्कुल भी डर खत्म करना है अपना ठीक है ना इतने मॉक टेस्ट जब आप दे लोगे तो आपका डर सच में खत्म हो जाएगा और ये बात का कि हाँ कुछ क्वेश्चन मुझे आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे यू शुड बी ओके विद इट क्योंकि ये एक एग्जाम है जिसके अंदर सिक्सटी मार्क्स की करंट अफेयर्स है जीके है ठीक है और जीके बहुत वास्ट होती है आप सारा का सारा नहीं कवर कर सकते हो वैसे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप कहेंगे आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे तो यू शुड बी फाइन विद इट तो प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे एनालाइज करना और अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं तो कॉमेंट करिए आई विल कम अप अपडियो फॉर श्योर ठीक है आप अगर हमारे मार्क्स बाय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं डब्ल्यू पर और वहां से आप हमारे मार्क्स बाय कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्क्स अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा ये बाकी की वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी दैट्स इट लॉगेरी साइनिंग ऑफ एल जी सुपरसून बाय टेक केयर